आज हूँ पवित्र स्नान पूर्णिमा जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा आज स्नान बेदी में बसी स्नान बेदी में बसी वर्तमान तरह चली स्नान कार्यक्रम वर्तमान चली आम यही क्रम अच्छे वर्तमान गड़मतपुर जो अच्छी जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में अच्छु वर्तमान मोर सहयोगी कह भी टे देखे देखूँ वर्तमान तीन विग्रह चतुर्थ विग्रह वर्तमान स्नान करुंती स्नान स्नान करुंती गरारे 108 गरारे पानी स्नान करा सहित विभिन्न नदी पानी कुहतु आउ गंगा पानी कुहतु नड़िया पानी कुहतु पैड पानी विभिन्न प्रकार पानी रे से स्नान करपटे भक्त माने अच्छा भक्त माने स्नान जो पूर्णिम जो अच्छे चतुर्थ विग्रह स्नान को से माने दर्शन पुण्य लाभ करो गणे अच्छा किसी भक्त अच्छा ये आम सीधा सड़क आलोचना करवा आज जो ये जो स्नान पूर्णिमा अच्छी स्नान पूर्णिम स्नान पूर्णिम चतुर्थ विग्रह जो बड़े गाधौंट गाधे सारापर यही जो दुर्लभ दृश्य देखुं आपणुभूति कौन भारी खुशी होम ठाकुर गरम ठाकुर भारी खुशी लगुच आम मान मैंने खुशी हो गरम ठाकुर आम खुशी होमी चली था प्रभु जगन्नाथ भले रखु ओडावासी जहाँ कहते गोटे भक्त कहते अनुभूति कहते जगन्नाथ जो यही जो स्नान पूर्णिम जो स्नान यात्रा को देखापी आप आसी कौन कौन कहे से विषय आम यही अनुभूति करुच्छे ये जो मधुपुरगढ़ जो पुराणा ऐतिहासिक जो पुनरुद्धार धीरे 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 परिवर्तन रे चली आगामी दिन में आहुरी भी परिवर्तन जो लोक जहाँकि शह शह नुह लक्ष लक्ष लोक ये आविर्भूत हो जगन्नाथ महाप्रभु एवं महादेव बलदेव आंकु दर्शन करने को लोक चतुर्पार्श्वर आसुचारती आम मैने गर्वित गड़मधुपुर बासीदा एमती सदा सर्वदा एमती ठाकुर चली था यही आम जहाँ कहते वर्तमान से जेहेतु चली चतुर्थ विग्रह स्नान यात्रा चली स्नान यात्रा ये देखु जत गरार जा 108 गरार पा नहीं कि जावायत मान सेवायत मान बढ़े दौंक पा बढ़े दौरान चतुर्थ विग्रह को गाधे दौंती गाधे दौंती यही जो दुर्लभ दृश्य अच्छी यही दुर्लभ दृश्य को देखापी भक्त मान भर उत्कंठा जग्रत हो भक्त मैंने वर्तमान अच्छा परिसर भितर रही से मैंने चतुर्थ विग्रह जो स्नान यात्रा को से दर्शन करूँ आउ ये चली कीर्तन चली हरि बोल हुलाहुली प्रकंपित हो गड़मधुपुर जगन्नाथ मंदिर प्रकंपित होपटे कीर्तन चली देखु से हरिनाम धरी हरिनाम धरी स्नान यात्रा रे जगन्नाथ जोबले स्नान चली चतुर्थ विग्रह जो स्नान चली हरिनाम करनाम कर मजि जा जगन्नाथ प्रेम मजि जा सीधा सड़क आम आलोचना करवा ये जो अच्छा भक्त मैंने अच्छा आपण आसी देखापी आसी स्नान यात्रा देखापी आसे खुशी लगुच भारी खुशी लगुच भल लगे गड़मधुपुर जितेबाला अच्छी स्नान यात्रा कथार अच्छी गड़मधुपुर लक्ष लक्ष लोक हमें आज अवश्य लोक टे कम अच्छा कि तथा मन उत्साह बहुत उत्साह गरम लगे बेस लोक भी हो पार ना गरम प्रबल हो जगन्नाथ ना शुले तो समस्ते आसवे गाध देखा को जहाँ कहते हैं बर्तमान सीए जिते दूर अच्छा से बहुत खुशी अच्छा उत्साहित अच्छा उत्साहित अच्छा उत्साहित हवा द्वारा ये जो अच्छी जिते बड़े स्नान यात्रा चली स्नान यात्रा चली देखापी भक्त मैंने आसी देखापी मो गण अच्छा गड़मतपुर राणी अच्छा अपन्नाधीर सिंह अच्छा आप सीधा सड़क आलोचना करवा आज हूँ स्नान यात्रा आज शुणु आज स्नान पूर्णमी जगह जगार पालन करा पुरी रे भी पालन करा तेणु आमे स्नान पूर्णमी बेलू ठाकुर को आपड़ देखुं रत्न सिंहासन तल को विजय करी स्नान मंडप को विजय कर स्नान सरला गज भेष ठाकुर पूजा पाए आरती हे आरती हो सारापर भोगराग हो सारापर नीति है पुणी ठाकुर रत्न रत्न भंडार उपरकू न जाकि गरुड़ कुंभ पर्यंत से अनुसार रहिबे।
ସେତିକି ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ତାଙ୍କର ବେଶ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 7 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ୁଛି ଏ ବର୍ଷ, ତେଣୁ ଠାକୁର ସେହିଦିନ ପୁଣି 7 ତାରିଖ ଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏବେ ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ କି ଆଜିଠୁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଅଛି ସେହି ରୀତିନୀତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଯେମିତି ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକା ରୀତିନୀତିରେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ହୁଏ, ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାହୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହୁଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ବି କରୁଛୁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଗଡ଼ମଧପୁରର ରାଣୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଧୀର ସିଂ, ସେ କହୁଥିଲେ ଆଜିଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ପରେ ସେ ଯିବେ ଅନବସରକୁ ଯିବେ, ଗଜବେଶ ହେବ, ଗଜବେଶ ପରେ ଅନବସରକୁ ଯିବେ, ଅନବସରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ପୂର୍ବ ଦିନ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ପୂର୍ବ ଦିନ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଦିନ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦିନ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ତାପରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇକି ମାଉସୀ ମା' ଘରକୁ ଯିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏହି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ସମାଗମ ରହିଛି ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ମଧ୍ୟ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାହୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ, ଯାହାକୁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ଏହି ଗଡ଼ମଧପୁର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।